कैसे हो जनता लोग, क्या हाल चाल चल रहे हैं भाइयों के? अपडेट का इंतज़ार कर रहे हो, पता है मुझे। सब कह रहे हैं भाई तूने बोला था सितंबर में रिटेंशन रूल आएगा, कहाँ गया रूल, कहाँ गया? अब जब BCCI नहीं रिलीज़ कर रही है तो मैं क्या करूँ बताओ? ये तो मैं अपने स्व कलमों से लिख कर तुम्हें भेज दूँ, तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार करेंगे। देखो जीवन में बहुत सी चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ मिल जाती हैं कुछ नहीं मिलती, दर्द बयां हो गया। खैर IPL की बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन उसके पहले भाई हमारे मुशीर भाई ने, जो कि मात्र 19 साल के हैं, मतलब मुझसे भी एक साल छोटे यार, उन्होंने शतक जड़ दिया फर्स्ट क्लास में। दुलीप ट्रॉफी पहला मैच, डेब्यू मैच, पहले दिन शतक जड़ दिया, वो भी तब जब 7 डाउन हो गए थे अपनी टीम के। भाई बंदा यार सरफराज का भाई है और उन्हीं के अंदाज में खेल रहा है, लेकिन सरफराज भाई का तो थोड़ा सा पत्ता साफ कर दिया गया था BCCI द्वारा, उनको तो कितने मौके मिले हम जानते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि एज का भी फैक्टर नहीं है, बंदा अभी से परफॉर्म कर रहा है और मुंबई लॉबी है तो फिर मुंबई इंडियंस 2025 के लिए, समझ रहे हो ना तुम? पर यार कुछ भी कहो, छोटे भाई की सक्सेस को देखकर बड़े भाई ने जिस तरीके से ताली बजाकर सेलिब्रेट किया ना, दिखा रहा था भाई कि दोनों का बॉन्ड कितना तगड़ा है और दोनों एक दूसरे की सक्सेस में खुश होते हैं। यही तो भाईचारा होता है, भाईचारा ऑन टॉप। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, IPL की खबरों की बात कर लेते हैं। भाईचारा इधर भी बहुत चलता है, बहुत तगड़ा भाईचारा, एकदम क्लोज। मुंबई इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं। अपडेट आ रही है सूर्यकुमार यादव को लेकर। जी हां भैया, मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल ने स्पोर्ट्स तक से बात करते हुए ये कहा कि हमें सूर्यकुमार यादव को छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों उन्होंने ये बोला कि देखो भैया ये सब जो बातें चल रही है ना कि सूर्य आ जाएंगे, सूर्य नमस्कार कर देंगे मुंबई को, उन्होंने कहा कि ये जो चंद साले यूट्यूबर्स हैं ये व्यूज लेने के चक्कर में ये सारा कांड कर रहे हैं। मेरी बात है क्या? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमें उनको छोड़ने का कोई प्लान नहीं है और वो मुंबई के साथ ही रहेंगे। हाँ भाई हाँ सही कह रहे हो, कैसे छोड़ोगे अब कैसे छोड़ोगे? अब तो वो भारतीय टीम का कप्तान बन गया ना, अब तो उनको रखने के लिए तुम हार्दिक को भी लात मार के भगा दोगे, आपका तो कॉरपोरेट कल्चर हम जानते ही हैं। तो फिर भैया ये टीम कुछ भी कर सकती है लेकिन सूर्यकुमार यादव को नहीं छोड़ सकती, ऐसा मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल्स का कहना है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है यार। भारतीय टीम का कप्तान अगर आपकी टीम में है आप उसे कैसे जाने देंगे? एनीवे दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की तरफ से और इन्होंने भैया सेंध लगा ली है। एक बंदा जैसे उधर से निकला, मतलब रजवाड़ों की तरफ से जैसे वो निकले ना, तुरंत उनको बोला गया कि चलो नॉर्थ से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, यानी कि इधर कोलकाता की तरफ आ जाओ, तुमको रसगुल्ला खिलाएंगे, दही मतलब बाटी वाटी खाते वाते बोर हो गए होगे ना, कोई बात नहीं है। तो रसगुल्ला खिलाने के लिए कुमार संगकारा को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा आ जाइए हमारी तरफ मेंटोर के रोल में। गंभीर साहब चले गए हैं तो थोड़ा सा संगकारा, वो दोनों गंभीर ही रहते हैं वैसे, तो सेम रोल के लिए सेम तरीके के बंदे को लाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बातें चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके होने के चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि कुमार संगकारा दूसरी टीमों के भी टच में हैं और दूसरी बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स भी उनको हटाना नहीं चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर थोड़ा सा दूसरे जो उनकी और फ्रेंचाइज चलती है ना, पाल रॉयल्स हो गई, फलाना फ्रेंचाइजेज हो गई, इधर उधर चलती हैं, उनमें उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करने का प्लान चल रहा है। और इसीलिए तीसरी अपडेट क्या है, अरे भैया वही अपडेट जो मैंने आपको महीनों पहले दी थी, बताया था ना राहुल द्रविड़ कहाँ रहेंगे, राजस्थान रॉयल्स में रहेंगे, IPL 2025 में नजर आएंगे। ऑफिशियल हो चुका है, हेड कोच पोजीशन पर ज्वाइन कर लिया है राजस्थान रॉयल्स को राहुल द्रविड़ ने, तो रजवाड़ों के घर में अब द्रविड़ एरा फिर से शुरू हो रहा है और एक्चुअली में द्रविड़ 2.0 एरा है। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगता है कि राहुल द्रविड़ इसी टीम का एक हिस्सा थे, एक अहम अंग थे। ट्रॉफी भैया एक बार आई लेकिन उसके बाद से ट्रॉफी का सूखा इस टीम के साथ है। जिस तरीके से भारतीय टीम में वो जो एक मन में उनके खटास थी ना यार कि मैं खिलाड़ी के तौर पर वो ट्रॉफी मैंने कभी नहीं पाई, कोच के तौर पर वो रोलर कोस्टर राइड अंत में जाकर खत्म होती है और उन्हें ट्रॉफी मिलती है, क्या रजवाड़ों के साथ भी कुछ ऐसा करेंगे राहुल द्रविड़? क्योंकि अब कोच के तौर पर आ रहे हैं, क्या ट्रॉफी भी अपने साथ लेकर आएंगे? क्या ये जो बड़ा सूखा है, मतलब राजस्थान में सिर्फ पानी का नहीं है, ट्रॉफी का भी सूखा है, क्या इसको भी वो खत्म करने वाले हैं? खैर हमें पता चलेगा क्योंकि ये इस टीम के हेड कोच बन चुके हैं। और इसके अलावा अपडेट ये भी है कि सिर्फ इन्हीं को नहीं टीम ने भी पकड़ लिया, जैसे देखो KKR से भारतीय टीम ने पूरे उनके खिलाड़ी चूस लिए ना, वैसे अब इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है कि जो भारतीय टीम के सारे रिटायर्ड हैं उनको ये उठा ला रहे हैं। राहुल द्रविड़ को ला दिया, हेड कोच की पोजीशन से गए थे, अब विक्रम राठौर को भी लाने का प्लान चल रहा है IPL 2025 में। जी हाँ उनसे भी बातचीत चल रही है कि बैटिंग कोच के तौर पर आप हमारी टीम में आ जाइए, आप भैया थोड़ा सा राहुल द्रविड़ के साथ एक बढ़िया तगड़ा सिस्टम बना दो, तो राजस्थान रॉयल्स इसको लेकर भी बात कर रही है। और ऐसी सारी अपडेट्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ IPL 2025 को लेकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आती रहती है। और अगर टेलीग्राम पर तुम नहीं हो या फिर तुम्हें पता है टेलीग्राम वाला कांड क्या चल रहा है, तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी भैया चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर लो परिवार नाम से,
तो कहीं भी ज्वाइन कर लो, लेकिन ज्वाइन जरूर किए रहो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यार नेक्स्ट अपडेट जो आई है इसको सुनकर तुम्हें लगेगा कि रिंकू भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। अब इनसे पूछ लिया गया भैया थोड़ा सा स्पाइसी सवाल कि यार तुम इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, 50-50 लाख यहाँ पर KKR देती है, थोड़ा लगता होगा ना ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई 50 या फिर 55 लाख भी ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, जहाँ से मैं आता हूँ मैंने कभी सोची भी ना थी कि इतने पैसे कमाऊंगा। तो फिर पैसे का क्या है भाई, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे, आपको पता है भाई अपना संत आदमी है रिंकू भाई। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें क्या, हमें तो विराट कोहली का एक बैट मिल जाता है खेलने के लिए और साथ में थोड़े से 2-4 छक्के लगा देता हूँ, बॉलर का करियर मिल जाता है खाने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं। तो रिंकू भाई ने बोला कि जितने मिल रहे हैं बहुत मिल रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई, ये बंदा तगड़ा है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट अपडेट, लेकिन IPL को लेकर ऐसी अपडेट आप सुनते नहीं हैं पर निकल कर आ रही है। अपडेट ये है कि IPL का एक्चुअली में घाटा हो गया। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस वैल्यूएशंस ये बता रही हैं कि IPL की जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट में इनका भाव है, वो गिर गया है लगभग 10% से। यानी कि पिछले के पिछले सीजन वो 92,500 करोड़ का था, जो कि अब गिरकर 82,700 करोड़ का हो गया। मतलब आपकी वैल्यूएशन 82,700 करोड़ की है और आप ये कह रहे हो कि आप 10% के घाटे में हो। भाई ऐसे घाटे ना हमें भी हो जाए, मतलब इसका 2-4% भी हो जाए ना तो हमारा पूरा 4-5 पुस्त निकल जाए। तो भाई कुल मिलाकर बात यही है कि थोड़ी सी वैल्यूएशन में जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, और उसका रीज़न ये है, ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये मीडिया राइट्स वाले जो एकदम चलते हैं, इनकी मोनोपोली है जियो वाले और सब अब उसी में जुड़ जा रहे हैं, तो डिज्नी भी एक में मर्ज हो गया, तो इसकी वजह से ना वो फाइट नहीं हो रही है डिजिटल्स में, तो थोड़ा सा उसका घाटा BCCI को IPL को झेलना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो बस इतनी सारी अपडेट्स थी, मतलब अपडेट इतनी थी पर इंपॉर्टेंट थी, तो शेयर कर दिया, लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो और सब्सक्राइब की घंटी दबाते रहो बढ़िया से, एकदम रोको मत, दबती रहनी चाहिए, बार बार घुटना दे के मार दो उस पर, ठीक है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।